तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं लॉजिटेक की तरफ से आने वाले उनके ही गेम पैड का रिव्यू। एंड ये जो गेम पैड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्राइस के साथ आता है, लेकिन उससे पहले ये जो रिव्यू यूनिट है हमको क्रस्ट कंप्यूट्रॉनिक्स की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। अगर आप बिल्ड करवाना चाहते हो अपने ड्रीम पीसी को या फिर इनमें से किसी भी पेरिफेरल को, तो फिर आप इनकी शॉप क्रक्स कंप्यूट्रॉनिक्स इन वजीरपुर जरूर से चेक कर सकते हो। इनकी जो शॉप की लोकेशन है अगेन आपको वजीरपुर के अंदर देखने को मिलती है, दिल्ली एनसीआर में। काफी ज्यादा ट्रस्टेड शॉप है, आपको इस शॉप के अंदर काफी कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग देखने को भी मिलने वाली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीजों की डिटेल देखने को मिल जाएगी, सो डू चेक देम आउट। हाईली रिकमेंडेड शॉप रहने वाली है मेरी तरफ से। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल के ऊपर एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना जरूर से चाहूंगा। अभी जैसे कि देख सकते हो इसी वीडियो के अंदर सेटअप के अंदर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा। सो इतने टाइम से मैंने पीछे की तरफ अभी पर्दा लगा रखा था, बट अभी मैंने थोड़ा सा सेटअप का काम चालू करवाया है। अभी सेटअप थोड़ा सा अपग्रेड होने वाला है, सो अभी के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लो, थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो आप उस पर्दे को। सो उससे अगली आने वाली वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सो इस एवी को स्टार्ट करना चाहता हूँ इस कंट्रोलर की प्राइसिंग को लेकर। इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग आपको अमेजोन के अंदर 6000 रुपीज की देखने को मिलने वाली है। सो इसी प्राइस को ध्यान में रखते हुए हम इसका भी रिव्यू करने वाले हैं। सो बात करता हूँ इस कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग की, तो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, क्या अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मुझे लिटरली 20 मिनट लगे इसकी पैकेजिंग को अनबॉक्स करने में। एंड चलिए मैं दिखाता हूँ आपको सबसे पहले उसी चीज के बारे में। सो कुछ देख सकते हो इस तरह की हमको पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, और इसी पैकेजिंग को खोलते हुए मुझे इतना ज्यादा टाइम लगा क्योंकि काफी ज्यादा मजबूत पैकेजिंग की गई है। इसको जो अनबॉक्स करने का एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा मुश्किल था, तो मैंने काफी मुश्किल से फिर इस बॉक्स को अनबॉक्स करा। सबसे पहले हमको हमारा कंट्रोलर देखने को मिला, उसके बाद बात करूं तो हमको एक छोटा सा नैनो रिसीवर देखने को मिला जिससे हम इसको काफी अलग अलग डिवाइसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके साथ हमको कुछ पेपर वर्क भी देखने को मिल जाता है। एंड साथ में बात करूं एक और हमको एक्स्ट्रा चीज मिल जाती जो कि है यूएसबी एक्सटेंडर। जनरली हमको कंट्रोलर के साथ यूएसबी एक्सटेंडर देखने को नहीं मिलता, बट इसके अंदर इंक्लूड करा गया है, तो थम्स अप है लॉजिटेक को इस चीज के लिए। अब ये तो था हमारा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम इसके डिजाइन एंड ओवरव्यू के बारे में। तो लुक्स वाइज आपको कुछ इस तरीके का रिमोट देखने को मिलता है। इस कंट्रोलर के अंदर आपको ग्रे कलर की फिनिश मिल जाती है। एंड जब मैंने इस कंट्रोलर को रिव्यू के लिए लिया था तब मुझे लगा था ये थोड़ा सा चीप कंट्रोलर है इसके लुक्स के हिसाब से। एंड कुछ लोग यही समझे थे कि ये कंट्रोलर है वो थोड़ा सा सस्ता आने वाला होगा, बट इसकी जो प्राइस है वो 3000 रुपीज़ है। इसके लुक्स को देखते हुए मुझे भी थोड़ा सा ऐसा फर्स्ट टाइम में लगा था कि ये कंट्रोलर थोड़ा सा सस्ता हो सकता है, बट जब मैंने इस कंट्रोलर के बारे में सर्च करा था मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड ये 3000 रुपीज़ का कंट्रोलर है, तो इस बारे में कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, ये कोई भी चीप कंट्रोलर नहीं है, तो मिड रेंज का कंट्रोलर आप इसको आराम से कह सकते हो। अब इसके बटन्स की बात करूँ तो बटन्स में कुछ इस तरह का आपको फिनिश मिल जाती है। इसके जो बटन की फील है वो काफ़ी ज़्यादा टैक्टाइल है, एंड जो ग्रिप भी देखने को मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। साइड में बात करूँ तो ग्रिप के लिए आपको कुछ ब्लैक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है रबर के। जब आप इस रिमोट को अपने हाथों में होल्ड करोगे तब आपको काफ़ी अच्छे ग्रिप प्रोवाइड करने वाला है। सो ग्रिप के मामले मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं फेस हुई। बात करूँ इसके डी पैड की, तो डी पैड की क्वालिटी प्राइस को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी है डी पैड के अंदर, बट इसके अंदर आपको एक फंक्शनैलिटी ऐसे देखने को मिलती है जिसकी मदद से आप इसको अपने थंब को आराम से इस तरह से रोटेट कर सकते हो एंड ये आराम से यूज़ हो सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है इस कंट्रोलर की। ऊपर की तरफ बात करो तो ऊपर में आपको ट्रिगर्स मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसी के बीच में आपको एक स्विच देखने को मिलता है जो कि स्विच कर जाता है एक्स इनपुट के अंदर एंड डी इनपुट के अंदर। जो आपकी पुराने टाइप की गेम्स होने वाली है वो डी इनपुट को जैसे सपोर्ट करती है, तो आप इसके स्विच को डी के अंदर यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप खेलना चाहते हो इस कंट्रोलर का मॉडर्न गेम्स के साथ तो आप इसके स्विच को एक्स इनपुट के अंदर यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा नीट फीचर है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर है। खासकर कंपेटेबिलिटी की बात करूँ तो कंपेटेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। एंड जो रिमोट का वेट भी है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रिमोट अपने हाथों के अंदर आपने होल्ड कर रखा है, बिल्कुल भी चीप फीलिंग नहीं देता आपको बिल्ड क्वालिटी के अंदर। एंड जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिला मुझे। फ्रंट की बात करूँ तो आपको एक लॉजिटेक का बटन मिल जाता है जिस तरह से आपको एक्सबॉक्स के रिमोट के अंदर मिलता है। इस कंट्रोलर के अंदर जैसे ही हम इस बटन को यूज़ करते हैं तो वैसे ही इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए या फिर इस बटन को यूज़ करते हो अपने सीपीयू एंड जीपीयू यूजेज दोनों को ही चेकआउट कर सकते हो, तो इस कंट्रोलर के अंदर आपको ये भी फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है। उसके साथ में बात करूँ तो इसमें आपको बैक का बटन देखने को मिलता है, साइड में बात करूँ तो स्टार्ट का, नीचे की तरफ आपको मोड का बटन मिल जाता है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने जॉयस्टिक एंड डी पैड के अंदर स्विच कर सकते हो। एंड उसके साथ में आपको एक वाइब्रेशन का बटन देखने को मिल जाता है, वाइब्रेशन के बारे में भी मैं आगे जाके बात करूंगा।
कि इसकी हैप्टिक फीडबैक किस तरह की हमको देखने को मिलती है। सो ये है डिजाइन ओवरव्यू इस रिमोट का, साथ में मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी भी कवर कर दी है। बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, प्राइस को जस्टिफाई करते हुए काफी ज्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी हमको दी गई है लॉजिटेक की तरफ से। एंड साथ में मैंने इसके लुक्स भी कवर कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट ग्लांस मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा चीप रिमोट है, जो मेरा इस कंट्रोल को यूज करते हुए एक्सपीरियंस रहा वो काफी ज्यादा बढ़िया रहा। सो लुक्स वाइज कुछ इस तरह की मेरी फाइंडिंग्स रही है। अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है, बट लुक्स के मामले में कोई ज्यादा शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि इसकी लॉन्च डेट काफी ज्यादा पहले की थी एंड उस टाइम के हिसाब से इसके लुक्स हमको प्रोवाइड किए गए हैं। सो इस मामले में कंप्लेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अभी अगर देखते हैं कि लॉजिटेक कुछ इससे अगला मॉडल निकालता है कंट्रोलर के अंदर, तो फिर वो कुछ तरह का हमको देखने को मिलेगा। जरूर से मैं टेस्ट करके आपको वो भी बताऊंगा। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जरूर से लाइक कर दो एंड साथ में दबा दो उस बेल नोटिफिकेशन को भी, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं बात करता हूं इस कंट्रोलर की बैटरी और रेंज के बारे में। बैटरी के बारे में बात करूं तो बैटरी इसमें डबल ए टाइप की बैटरी यूज होती है एंड इसके अंदर आप अलग अलग कंपनीज की बैटरी भी यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर ड्यूरासेल को यूज करो क्योंकि इसके अंदर आपको इनबिल्ट भी ड्यूरासेल देखने को मिलते हैं एंड बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैं लगभग इस कंट्रोलर को हफ्ते 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी तक मुझे बैटरी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। सो बैटरी बैकअप इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। बैटरी बैकअप के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली इस कंट्रोलर के साथ में। एंड साथ में बात करूँ इसके वायरलेस रेंज की, तो रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिली। एक तो इसके अंदर हमको एक्सटेंडर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एड ऑन है एंड ऊपर से इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो 7 से 8 मीटर तक आप आराम से यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं करता। एंड मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसको यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं 3 से 4 मीटर की रेंज के अंदर, उस मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली। डिले एंड लेटेंसी की बात करो तो लेटेंसी आपको इसमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, काफ़ी ज़्यादा एकदम क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है एंड मुझे इस मामले में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। सो वायरलेस परफॉर्मेंसेस कंट्रोलर की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होने को नहीं मिलने वाली। अब मैं बात करता हूँ कि आप इस कंट्रोल को कौन कौन से डिवाइसेस के अंदर यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो सबसे पहले मैं इन शॉर्ट ही कहूँ तो आप इसको सभी डिवाइसेस के साथ यूज़ कर सकते हो। किसी भी डिवाइस के साथ अगर आप इस कंट्रोल को यूज़ करना चाहते हो तो बस आपको जो नैनो रिसीवर देखने को मिला है बॉक्स के अंदर, वही आपको यूज़ करना है सभी चीज़ों के साथ में। सबसे पहले आप इसको पीसी के साथ यूज़ कर सकते हो नैनो रिसीवर के साथ। बात करता हूँ टीवी की, तो टीवी के अंदर भी बस सिर्फ आपको नैनो रिसीवर प्लग करना है, उसके बाद यू आर गुड टू गो। टीवी के अंदर भी आपको कोई भी लेटेंसी नहीं मिलने वाली एंड टीवी के अंदर भी परफॉर्मेंस एकदम अप टू द मार्क है। अब मुझे पता है कि कुछ लोग पूछने वाले हैं कि इसको क्या फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो मोबाइल फ़ोन के साथ में भी। जो आपका नैनो रिसीवर लॉजिटेक ने प्रोवाइड करवाया है उसको आप अपने फ़ोन के OTG के साथ यूज़ कर सकते हो एंड उसके अंदर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। बस सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, पीसी के अंदर आपको इसके वाइब्रेशन हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलेंगे एंड टीवी की बात करो तो टीवी के अंदर भी बिल्कुल नहीं मिलने वाले और ना ही आपको फ़ोन के अंदर मिलने वाले हैं। सो कुछ इस तरह से इसकी दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्टिविटी रहने वाली है एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, इस चीज़ के अंदर आपको कोई भी कॉन देखने को नहीं मिलता। सो जैसे कि मैंने बताया बिल्ड क्वालिटी इस रिमोट की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बटन्स की बात करो तो बटन्स भी आपको काफ़ी अच्छे टैक्टाइल देखने को मिल जाते हैं, डी पैड की क्वालिटी भी एकदम ठीक ठाक देखने को मिलती है। अब जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है इस रिमोट को बाय करने के लिए वो है इसकी हैप्टिक फीडबैक एंड वाइब्रेशंस, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिला है अभी तक के लिए फिलहाल, बस सिर्फ अब रह जाती है इसकी हैप्टिक फीडबैक। अगर इसकी हैप्टिक फीडबैक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है तो एक काफ़ी अच्छा रिमोट आपके लिए साबित हो सकता है। सो इसकी हैप्टिक फीडबैक की बात करूँ तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। जैसे कि इसकी 3000 रुपीज़ की प्राइस रेंज है तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी हैप्टिक मोटर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जो 5500 रुपीज़ के आसपास के कंट्रोलर्स आते हैं उनसे थोड़ी आपको कम मिलने वाली है, उतना ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जब मैंने एक्सबॉक्स की 1S सीरीज का कंट्रोलर रिव्यू करा था उसकी हैप्टिक फीडबैक इससे थोड़ी सी बेटर है, बट 3000 की प्राइस को कंसिडर करते हुए इसकी फीडबैक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे। श्योर ये उन कंट्रोलर से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको मिल जाने वाली है जो आपको 1700 से 1800 रुपीज़ की प्राइस के साथ आते हैं। सो थोड़ी सी कन्फर्मेशन के लिए आपको इसकी वाइब्रेशन की भी टेस्ट दिखा देता हूँ। होप आपने थोड़ी बहुत इसकी आवाज जरूर से सुनी होगी एंड वाइब्रेशन के मामले में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली इस कंट्रोलर के साथ में। ट्रिगर की क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। वहीं वाइब्रेशन के साथ में ट्रिगर्स की बात करूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं गेमिंग्स के लिए, तो ट्रिगर की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे अभी तक इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है एंड जो एक फील आती है इस ट्रिगर को यूज करते हुए काफी ज्यादा ठीक है। ट्रिगर जो दिए गए हैं वो हमको थोड़े से टाइट मिल जाते हैं, उसके ऊपर वाले जो हम करो L1 और R1 बटन्स है
वो हमको काफ़ी ज़्यादा टैक्टाइल मिलते हैं। सो बिल्ड क्वालिटी में, बैटरी लाइफ में, इसकी जो बटन्स की क्वालिटी में एंड वाइब्रेशन के अंदर ये कहीं भी सफ़र नहीं करता। जो प्राइस आप इस कंट्रोलर के लिए पे कर रहे हो वो एकदम जस्टिफाइड है इस कंट्रोलर के लिए। अब लगभग हो चुकी है हमारी वीडियो कम्प्लीट, अब मैं बात करता हूँ इसकी वर्डिक के बारे में। तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं क्या क्या मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। बिल्ड क्वालिटी इसकी थम्सअप है एकदम, बटन्स की क्वालिटी एकदम बढ़िया है, ट्रिगर्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है एंड वाइब्रेशन की बात करो तो वाइब्रेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खराब उतरता है अकॉर्डिंग टू इस प्राइस। सो जहाँ तक आपको इस कंट्रोलर के लुक्स पसंद आ जाते हैं सो डेफिनेटली आप इस कंट्रोलर को बाय कर सकते हो। इस कंट्रोलर के अंदर मुझे कोई भी मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है एंड अगर आप इस कंट्रोलर को बाय करते हो 3000 रुपीज़ की प्राइस के साथ में सो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले। अगेन अगर आप इस कंट्रोलर को बाय करने जाते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस कंट्रोलर को बाय कर सकते हो। अगेन ह्यूज थैंक्स टू क्रक्स कंप्यूटोनिक्स जिन्होंने ये रिव्यू यूनिट हमको प्रोवाइड करवाया है। अगर आप कहीं से भी पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो या फिर बाय करना चाहते हो पेरिफेरल को सो जरूर से आप इनकी शॉप क्रक्स कंप्यूटोनिक्स को विजिट कर सकते हो। इनकी शॉप की लोकेशन जैसे कि मैंने बताया वजीरपुर के अंदर देखने को मिलने वाली है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो क्योंकि हमको अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। एंड मैं हूं अनिकेत, आप देख रहे हो पीसी हजार, तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।